भिगनगांव में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पावागढ़ पैदल यात्रा के लिए 70 से अधिक भक्त रवाना हुए हैं। ये यात्रा में मां त्रिवेणी मित्र मंडल द्वारा आयोजित की गई है। इस आस्था की डोर से बंधी यात्रा का एक सिरा भिगनगांव में है, जबकि दूसरा सिरा लगभग 350 किलोमीटर दूर मां पावागढ़ में स्थित है। भक्तों की यह भव्य संख्या इस बात का प्रमाण है कि आस्था और श्रद्धा की यात्रा कभी थमती नहीं। इस यात्रा के दौरान भक्तों में जोश और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सभी श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा विशेष महत्व रखती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है कि गीतों में पूरा नगर गूंज उठा है। वहीं भिकनगांव नगर की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना के लिए ये भक्त पैदल निकल पड़े हैं। 8 दिनों की यात्रा मां त्रिवेणी मित्र मंडल पावागढ़ पैदल यात्रा संघ भिकनगांव शनिवार को सुबह 9 बजे नगर के मोटी माता मंदिर से आरती के बाद शुरू हुई, जिसमें मुख्य मार्ग से इष्ट मित्र व परिजन विदाई देने आए। सभी यात्रियों को खरगोन नाके पर परिजनों और मित्रों ने गले मिलकर विदाई दी। समिति के चंपालाल वर्मा अजय शर्मा ने बताया कि विगत 24 सालों से लगातार पैदल यात्रा कर पावागढ़ वाली माता पहुंचते हैं तथा वहां ध्वज चढ़ाते हैं। इस बार माता रानी के शिखर पर ध्वज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर चढ़ाया जाएगा। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।